हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल डॉक्टर मम्मा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही खास है। हर किसी को ये जानकारी होना ही चाहिए, आपके छोटे बच्चे हैं तो भी और नहीं है तो भी, ताकि आपको जानकारी रहेगी कि घर में किसी को भी अगर जरूरत पड़ती है तो आप उनको सलाह दे सकेंगे। वीडियो का टॉपिक है, बच्चा अगर सिर के बल गिर जाए तो क्या करें। जैसे फर्स्ट एड की नॉलेज सबको होनी चाहिए, वैसे ये वीडियो है, सबको नॉलेज होना चाहिए। बच्चे ही नहीं, अगर बड़े भी गिर जाते हैं तो ये पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी बच्चा गिरता है तो दो तरीके से इंजरी हो सकती है अगर बच्चा सिर के बल गिरा है। पहली इंजरी जो हो सकती है वो सुपरफिशियल इंजरी है, यानी कि हेड की स्किन पे इम्पैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से खून निकलेगा, या फिर बोन्स में हो सकता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाएगी। सुपरफिशियल इंजरी है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, वो थोड़े दिन में चली जाएगी। लेकिन अगर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़ोर से गिरा है या हाइट से गिरा है, तो हो सकता है वो इंजरी अंदर तक गई हो, यानी कि ब्रेन तक गया हो। अगर ब्रेन में इंजरी हुई तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे पता करेंगे कि ये ब्रेन की इंजरी है या सुपरफिशियल इंजरी है, उसके लिए आपको चार पॉइंट का ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो कहीं पे एक डायरी में नोट डाउन करके आप रखें, ताकि ज़रूरत पड़े तो आपको ये चीज़ें पता रहे। पहला है, अगर नाक और खान से खून निकलता है। देखिए, ब्रेन जो है एक क्लोज कंपार्टमेंट में रहता है, अगर वहाँ पर इंजरी हुई है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर, वो फट गई हैं, खून निकला है, कहीं ना कहीं से वो खून निकलने का रास्ता ढूंढेगा। वो रास्ता होता है या तो नाक से या तो कान से। मतलब अगर यहाँ से खून निकल रहा है तो अंदर कहीं ना कहीं ब्लड आ गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है तुरंत। दूसरा है, अगर बच्चा गिरने के बाद बेहोश हो जाता है या बहुत ज़्यादा ड्राउजी या भी कि स्लीपी सा रह रहा है, तो भी ये डेंजर साइन है। तीसरा है, अगर बच्चा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कर रहा है। देखिए, नॉर्मल वॉमिटिंग कैसे होती है, वॉमिट किया, कपड़े उपड़े में गिर गया। लेकिन जब ब्रेन इंजरी होती है, हेड में इंजरी होती है, वहाँ का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बच्चा जो उल्टी करता है वो बहुत दूर तक फेंकाती है, ये बहुत ज़्यादा डेंजर साइन है। फोर्थ डेंजर साइन है कन्वर्जन। अगर गिरने के बाद बच्चों के झटके आ रहे हैं तो ये भी एक डेंजर साइन है। सारे मूवमेंट्स जो होते हैं ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, तो अगर ब्रेन में इंजरी है तो कन्वर्जन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कब तक वॉच करना है? 24 से लेकर 48 आवर्स तक आपको ये साइंस ऑब्जर्व करना है। अगर इनमें से एक भी यस होता है तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, सीटी स्कैन तुरंत करवा के लेना है, ताकि पता चल सके कहाँ पे ब्रेन इंजरी हुई है और उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट हो जाए। आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व तो कर रहे हैं 24 से 48 आवर्स तक, लेकिन फिर भी गिरे हैं, कहीं ना कहीं सूजन तो आएगी ही आएगी। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, स्वेलिंग को कम करने के लिए, अगर 24 आवर्स से कम की स्वेलिंग है तो आपको आइस से, यानी कि ठंडी सिकाई करनी है। एक आइस क्यूब लेना है, कॉटन कपड़े से अच्छे से रैप करके धीरे धीरे उस जगह पे सिकाई करनी है, ताकि वो ठंडे की वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो और स्वेलिंग ज़्यादा बढ़े ना। दूसरा, अगर 24 आवर्स से ज़्यादा की स्वेलिंग है, तब आपको क्या करना है, सिकाई जो करनी है वो गर्म सिकाई करनी है, तब आपको ठंडी सिकाई नहीं करनी है, वो फायदा नहीं करेगी। ये चार सिम्टम के अलावा दो और चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। पहली, अगर बच्चा कंटिन्यू रोए जा रहा है, किसी भी चीज़ से चुप नहीं हो रहा है। देखिए, बच्चा गिरा है, रोएगा तो है, लेकिन अगर वो दूध पी के चुप हो जा रहा है, खेलने लग रहा है, तो आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन कुछ भी चीज़ से वो सूद नहीं हो रहा है, बस रोए जा रहा है कंटिन्यूसली, हाई पिच क्राई है, तो भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, जो स्वेलिंग है, गिरेगा, स्वेलिंग लगभग हर केस में आती ही है, लेकिन अगर स्वेलिंग सिकाई कर रहे हैं उसके बाद भी बढ़ती जा रही है, तब आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ये भी चीज़ को आपको इन्फॉर्म करना है कि पहले स्वेलिंग तो छोटी थी, लेकिन डॉक्टर अब स्वेलिंग बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखना है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ताकि आप सारी चीज़ें एक साथ बता सकें। कब आपको घर में ही रहना है? अगर बच्चा थोड़ा सा रोया, दूध दूध पिया, चुप हो गया, खेल रहा है अच्छे से एक्टिवली, कोई वॉमिटिंग नहीं हुई है, कहीं से ज़्यादा नाक कान से खून नहीं निकल रहा है, तब आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सुपरफिशियल इंजरी है, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, कोई भी टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली हेड इंजरी के जो केसेस आते हैं, जो बच्चों के सिर के बल गिरने के जो केसेस आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं 4 to 6 मंथ्स में। ये एज ऐसी होती है, बच्चा नया नया रोल ओवर करना सीखता है और अचानक से ही किसी दिन शुरू करता है। अभी तक तो क्या था, बेड में जब सुलाते थे तो नहीं गिरता था, क्योंकि वो रोल ओवर नहीं, लेकिन अचानक से किस दिन वो रोल ओवर करना शुरू कर दिया। आप किचन में काम कर रहे थे और वो रोल ओवर होकर गिर गया। जैसे ही बच्चा 4 मंथ क्रॉस करता है, आप एक काम करें, अपना जो मैट्रेस है एक जमीन में बिछा ले, ताकि आप और बच्चा जमीन में सोए। अगर उस एरिया में कीड़े वीड़े नहीं आते हैं तो
लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो आप बेड प्रोटेक्टर्स आते हैं जो जिस साइड से ओपन है उस साइड से आप बेड प्रोटेक्टर लगा सकते हैं ताकि बच्चा गिरे ना। तीसरा है बच्चों को वॉकर नहीं दे, वॉकर की वजह से भी हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा देखी गई है, तो वॉकर का यूज़ बिल्कुल भी मत करें, काफ़ी सारी कंट्रीज में बैन है। ऑलरेडी इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप उसे जाकर प्लीज चेकआउट जरूर करें। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल रही हो। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप एक डायरी बनाएं, फर्स्ट एड डायरी नाम रखें, उसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को भी पड़ सकती है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी नोट डाउन करके रखें ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, सोल्यूशन आपको पता रहे कि ये चीज़ें मुझे पता है। आप तुरंत डायरी को रेफर कर सकते हैं। उस डायरी में आप बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उसकी भी डोज नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं जब डॉक्टर के पास जाएं तो क्या पूछे, वो सब भी नोट डाउन करके रखें और एवरी विजिट में वो डायरी हमेशा लेके जाएं। इतनी हैंडी रहेगी, क्योंकि क्या होता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं, जब जाना है तो क्या क्या पूछना है बस आप उसमें लिख लिख के रखें, ये बहुत हेल्प करेगी। एक मेरी ये रिक्वेस्ट है, जरूर फॉलो करके देखें, काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस हो सके, और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी इनपुट मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।